आंखों में क्यों पट्टी बांधी सर? अच्छा, बचेगा क्या हल्द्वानी शहर? हाँ, छोटा सा जो शहर है। बता दे कि दुकान बनाओ, राम मंदिर बनाओ, यहाँ पे एक जगह बढ़िया करके, यहाँ भी प्लानिंग इन्होंने करी कि 26 जनवरी पड़ी, ये बड़ी 3-4 दिन तो उड़ताल के वो कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। बिल्डिंग का समय आ रहे 10-10 मंजिल बिल्डिंग है, कैसा तोड़ लूंगा? 3 दिन में तो ऐसा ना, इसका नगर पालिका भंग है, अराजकता लगी हुई है, जिसको चाहे नोटिस दे दे, ये बैठे हुए इस पद में। अच्छा, जिसके पास कागज है वो कागज दिखाओ, कागज जो रजिस्ट्री। अच्छा, जिसके पास नहीं है वो, जो 50-60 साल से है उसका कुछ नहीं, उसका तोड़ देंगे तो मुआवजा। उन्होंने कहा जिसके पास पक्के कागज है उसको मुआवजा मिलेगा, और हटानी पक्की है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग, जो भी वीडियो होने वाला है, अतिक्रमण, जो अतिक्रमण है ना, उसी पर आधारित यह वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, सारी दुकानें बंद हैं, देख रहे हैं आप ये पीछे को, सारी दुकानें आज बंद हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सारे व्यापारी जो हैं नगर निगम में गए हुए हैं, तो यहाँ पर चल रहा है इनका, मतलब जो भी बातचीत है, इनका समझौता हो रहा है क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो आज मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या होने वाला है और क्या निष्कर्ष निकलता है। अभी कल भी कार्रवाई हो रही थी, बातचीत हो रही थी, और आज भी बातचीत हो रही है। सारे व्यापारी यहाँ पर दुकानें बंद कर चुके हैं और सब गए हैं बातचीत करने के लिए कार्यालय ऑफिस नगर निगम के। तो यहाँ पर सारी दुकानें बंद हैं। किस तरह से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सामने काली साई मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये साइड की लगभग सभी दुकानें यहाँ पर क्लोज हैं। आप देख सकते हैं, ये देखें, यहाँ से लेके वो आगे तक भी दुकानें क्लोज हैं। ये देखें, ये भी दुकान क्लोज है। तो यहाँ पर ये मार्केट है, अगर किसी कोई बात करेगा तो उनसे भी बात करना चाहेंगे, व्यापारियों से, कि आज दुकान क्यों क्लोज है। देखो ये दुकान बंद भी कर रहे हैं सर। सर नमस्कार सर, ये दुकान क्यों क्लोज कर रहे हैं सर? आज तारीख है। अच्छा, आज इधर नगर निगम में बातचीत के लिए बुलाया सर। कल क्या हुआ सर, बातचीत कुछ हुई? अच्छा, कल हो पाई सर कुछ बातचीत? हो पाई मीटिंग आज है हमारी। अच्छा, कल भी थी ना? हमारी नहीं थी कल। अच्छा, सर कितने बजे से है मीटिंग? जा रहे हैं, मालूम नहीं, जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। तो अभी ये लोग मीटिंग में जा रहे हैं, और इनकी मीटिंग है कह रहे हैं, तो आज सुनवाई है, देखते हैं क्या पैसा निकलता है। सारी दुकानें यहाँ पर बंद करके जा रहे हैं, हमारे सरदार जी भी जा रहे हैं, तो कुछ है, क्या हल निकलता है, सारी चीज़ें देखने वाली बात है। कि साइकिल की है। नमस्कार सर, दुकान क्यों क्लोज है सर आज? दुकान क्लोज क्यों है? जोर चौड़ी हो रही ना। अच्छा, तो अच्छा वो तो काट रहे, तो आपको बुलाया है क्या वहाँ, या फिर वैसे ही बंद किया है? फैसले के लिए बुलाया है ना। अच्छा, तो आप कब तक रहेगी ये बंद? अभी आज पूरा दिन बंद है क्या? ना ना, बंद नहीं। अच्छा, थोड़ी क्या होता है? अच्छा, फैसला आने के बाद ही खोलेंगे। चलो धन्यवाद। तो इस तरीके से यहाँ पर दुखी साइकिल वाले भी हैं। ये देखिए, ये दुकान भी आज क्लोज है। काका, दुकान क्यों क्लोज है? दुकान क्यों क्लोज है? दुकान क्यों बंद है सर? हाँ, हड़ताल है। अच्छा, किस चीज़ की हड़ताल? ये दुकानों की, ये हटाओ बचाओ वाला। तो आज पूरा दिन भर बंद है? एक बजे तक बंद कर रखा है। तो अच्छा, आप ये कोर्ट में बुलाया है उधर? अच्छा, चलो ठीक है। तो इन्होंने आधी थोड़ी सी दुकान खोल के काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर हड़ताल है इस तरीके से। ये देखिए, और आगे तक मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पर तो ये हट ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं इस तरीके से। ये साइड से महिला हॉस्पिटल है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पर जरा दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये भी दुकान जज में आ रही है, तो ये भी आज हड़ताल पे है, क्लोज कर रखा है। सुनवाई है यहाँ पर कोर्ट में, जन सुनवाई है, उनकी सुनवाई की जाएगी कि किस तरीके से होना है। वो तो सारी बातचीत होगी आज, बातचीत होगी नहीं होगी वो बात की बात है। ये साइड का देखें, ये साइड का तो खुला है, एक दो दुकानें ही बंद हैं, और यहाँ को दिखाते हैं आपको। ये दुकान भी पूरी बंद है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो अभी गाइज मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, मुंबई क्रोकरी के वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं, जो ये दुकान यहाँ पर जद में आ रही है, कुछ इस तरीके से चौराहा है, ये सिंधी चौराहे का मेन चौराहा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर से ये देख सकते हैं, ये है बॉम्बे क्रॉकरी की शॉप,
और माना जा रहा है कि ये शॉप पूरी जा रही है यहाँ से। ये पूरा शटल देख रहा है दीवार से, ये पूरी शॉप यहाँ से टूट रही है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको अतिक्रमण में माना गया है। तो आज यहाँ पर क्लोज है, ये भी गए हुए हैं वहाँ पर, इनका पहले भी थोड़ा बहुत तोड़ दिया गया। तो आज यहाँ पर बम्बई क्रॉकरी भी बंद है। तो इस तरीके से यहाँ पर नज़ारा है। तो सारे लोग यहाँ पर, दुकानदार लोग गए हुए हैं कोर्ट में। आपकी कौन सी दुकान है इसमें? अच्छा, ये वाली वो वाली आगे, आगे भगवती आपकी दुकान। अच्छा, जो श्री कमलेश के बगल में। अच्छा अच्छा, तो क्या नोटिस में क्या आया था आपके पास? नोटिस में आया था कि आज जिसके पास कागज है वो कागज दिखाओ, कागज जो रजिस्ट्री। अच्छा, जिसके पास नहीं है वो, जो 50-60 साल से है उसका कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसका तोड़ देंगे तो मुआवजा वगैरह कुछ नहीं? या दूसरी जगह उसको मिलेगा जिसके कागज है, जिसकी मतलब बरसों से दुकानें होंगी, उसका क्या होगा? उसको नगर निगम दुकान देगी कहीं? हाँ, नगर निगम वाली दुकानें मिलेंगी। अच्छा, जिसके नगर निगम की होगी और जिसका कब्जा होगा? नहीं होगा तो आपके कब्जा है या फिर रजिस्ट्री है? अच्छा, आप रेंट पे हैं तो आप क्या चाहते हैं? आप गए नहीं ऑफिस? नहीं, मैं हुआ यार कल। अच्छा, क्या बोल रहे थे कल, क्या डिसीजन आया? वो उन्होंने कहा जिसके पास पक्के कागज है उसको मुआवजा मिलेगा। और हटानी पक्की है? हाँ, चाहे रजिस्ट्री हो, चाहे कब्जे वाली हो या फिर कब्जे वाले को कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, तो अभी ये कितने दिन तक क्या होने वाला है यहाँ पर? किस आज के बाद देखो क्या करते हैं। तो व्यापारी क्या कह रहे हैं जिसकी दुकानें हैं? कोई तो कह रहा हम हटेंगे नहीं, ये वो ना, तो ना, किसी का तो रोजी रोटी भी जा रहा है ना, वो भी तो सवाल है ना। आप तो 100 साल हो गए यार। वही तो कह रहा हूँ, बरसों बीत गए, मतलब यहाँ पर पीढ़ियाँ बीत गई लोगों की। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं लोग आपस में, क्या बातें हो रही है? वो कह रहे हैं 8 मीटर करो, कम करो उसको, थोड़े बहुत दुकानें रख दो, कहने मतलब ये रोड 8 मीटर करो। अच्छा अच्छा, वो 12 मीटर ले। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर ये मंदिर भी हट रहा है, मंदिर को शिफ्ट करेंगे नहीं? अच्छा अच्छा, तो वहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो बिल्कुल हम हटने नहीं देंगे मंदिर, तो ये नहीं हटने देंगे, तो कुछ और करेंगे जुगाड़, इधर से जुगाड़ रोड का करेंगे। अच्छा अच्छा, कल यही हुआ कि जिसका कागज था उसको मुआवजा मिलेगा, बाकी टूटना सबका है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप दुकान खोलिए फिर, उसमें क्या है, जब तक है तब तक तो खोलिए आप, बात के बाद में देखेंगे। सभी की बंद है ना? अच्छा अच्छा, फिर वो कहेंगे कि क्यों खोल रखी है। अच्छा अच्छा, ये भी है। तो अभी जुलूस भी निकाल लेंगे अभी? मुझे लगता है कि ये जुलूस निकालेंगे आज, निकालेंगे मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि अभी कागज तो लगभग किसी के पास नहीं ना, वो समय में कहाँ था इतना, लोगों ने जहाँ पर हुआ और काम कर लिया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कहना है कि अगर हम दुकान खोलेंगे भी तो जो और व्यापारी हैं तो वो गुस्सा करेंगे, क्योंकि सब ने एक साथ एकजुट होके कहना है। तो आपने सुन ही लिया होगा किस तरीके से यहाँ पर डिसीजन है। तो व्यापारियों ने सारी दुकानें बंद कर रखी है आज, और यहाँ तक दिखाता हूँ मैं, देखिए ये देखिए नीचे तक सारी दुकानें बंद है, आप देख पा रहे होंगे सारी दुकानें यहाँ पर बंद है। ये भी आधा सटल में है, और सामने ये दुकान भी दिख रही होगी आपको, मैं इधर को दिखा देता हूँ। देखिए ये दवाई की दुकान है, ये भी बंद है, ये भी अतिक्रमण की जद में है, तो इसको भी तोड़ने की कवायद जारी रहेगी। और क्या मतलब कल का क्या हुआ सर, कल का क्या हुआ, कुछ निष्कर्ष निकला? कल भी मीटिंग थी यहाँ कुछ व्यापारियों की, 5 करोड़ रुपए अफसर मांग रहा है। अच्छा अच्छा, कल कुछ हुआ नहीं यहाँ पर? कल हुआ। अच्छा अच्छा, कल ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आप रोड मैप दें अपना। अच्छा अच्छा, इनके पास कुछ मैप ना है नहीं, कोई ऑर्डर्स नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्लानिंग तो हो भाई, पहले लोगों को बसाओगे उसके बाद तो आप तोड़ोगे, ठीक है जो अतिक्रमण तोड़ो, एक लिमिटेड तोड़ोगे, 3 मीटर अंदर ले लेंगे तो बचेगा क्या हल्द्वानी शहर? कुछ नहीं बचेगा। 3 कहाँ 12 मीटर नहीं नहीं, फुटपाथ के बाद 3 मीटर मीटर ना। अच्छा, तो बचेगा क्या हल्द्वानी शहर? छोटा सा जो शहर है, बता दे कि दुकान बनाओ, राम मंदिर बनाओ यहाँ पे एक जगह बढ़िया करके, यहाँ भी बता दे। तो कल कुछ निर्णय नहीं हुआ? वो यही है कि हाईकोर्ट जाएंगे उसके बाद, जैसे नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट में से तो हो गया ना फैसला? हाईकोर्ट से फैसला नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाईकोर्ट अभी तो बंद है फरवरी तक। हाईकोर्ट में ऐसा है, जब ये जाएंगे हम इसी प्लानिंग इन्होंने करी कि 26 जनवरी पड़ी, ये पड़ी 3-4 दिन तो उतार के वो कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो वो इनकी प्लानिंग थी, कल कुछ हुआ नहीं, आज अभी चल रही मीटिंग। हाँ, कल उसे दिखा दिया, 3 दिन का समय, अरे 10-10 मंजिल बिल्डिंग है, कैसे तोड़ूंगा? 3 दिन में तो नहीं होगा, सामान भी है बहुत कुछ है। तो आज चल रही मीटिंग, चल रही मीटिंग चली जाइए। अच्छा अच्छा, क्या है मतलब, क्या आसार क्या है? कुछ नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि कोर्ट के थोड़ी होगा, जो होना है डायरेक्ट कोर्ट में जाएगा, बहस होगी। धन्यवाद सर। कौन से कर रहे हैं मतलब, ताना साहब उधर पीछे पीली कोठी साइड पे तो नोटिस दे रखा है इन्होंने,
ऐसा ना इसका नगर पालिका भंग है, अराजकता लगी हुई है, जिसको चाहे नोटिस दे दे, ये बैठे हुए हैं इस पद में। अच्छा ऐसा है। अच्छा, अभी अंदर कौन कौन है? डीएम साहब, एसडीएम साहब, डीएम साहब भी है क्या? प्राधिकरण वाले बैठे हैं। अच्छा, डीएम साहब, ऋचा सिंह जी और नगर आयुक्त जी, ये तीन लोग है बस। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर को आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं ये होटल जो हैप्पी होम होटल है, ये भी लगभग जा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं इसका सोना भी लगभग आधा सोना जाएगा, और ये बिल्डिंग तो जो सामने दिख रही है ना, वो तो लगभग आधा लगभग जाएगी वो, और उधर साइड भी जैसे हॉस्पिटल टूटना है। तो काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है यहाँ पर। व्यापारी लोगों ने अपना काम बंद कर रखा है। देखिए यहाँ पर भी एक दुकान थी, ये तोड़ दिया है, देख सकते हैं इस तरीके से इसको यहाँ पर हटा दिया गया है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर किया गया है, सब बंद है, पूरी दुकान है। अभी मैं ज़रा ये साइड आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए ये महिला हॉस्पिटल बन रहा है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। नीचे बेसमेंट में पार्किंग बनेगी, आप देख सकते हैं ये कैंटीन है, और ये कैंटीन भी लगभग यहाँ से टूटने वाली है। तो यहाँ पर पीछे नया हॉस्पिटल बन रहा है, जो पुराना वाला तोड़ दिया गया था, बाद में ना ये सारी दीवारें यहाँ पर ढहा दी जाएंगी, तो काफ़ी चौड़ा हो जाएगा यहाँ से रोड, देख सकते हैं कालेश्वरी मंदिर भी जाएगा। इस तरीके से यहाँ का नज़ारा है, देखिए नीचे का काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह रहती है। ये दुकान क्यों बंद है सर? रोड पर सर अतिक्रमण गए। अच्छा अच्छा, वो वहाँ वहाँ गए हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ये दुकान भी जारी का पूरी? नहीं अभी तो ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल। अच्छा अच्छा अच्छा, साथ देने के लिए चलो चल रहा है इस बारे में। चलो ठीक है, क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होगा तो भाई, लग क्या रहा है आपको? व्यापारी लोगों को उजाड़ा ना जाए, इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से कल बातें हुई तो उस हिसाब से लग रहा है कि ये टूटना तय है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कल जो बातें हुई हैं वहाँ ये बातें हुई हैं कि अगर आपके पास कागज हैं तो दिखाइए, नहीं तो आप जाइए, अगर आपको कागज हैं तो आपको मुआवजा दिया जाएगा, ये बात हो रही है वहाँ पर, ऐसा बोला गया अधिकारियों की ओर से। प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों के लिए है। अच्छा अच्छा, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों का था सर। अच्छा ऐसा था क्या? अच्छा अच्छा, चलो आप फैसला अच्छा आई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा कहना है इनका, और ये देखिए ये दुकान भी बंद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दुकान भी जा रही है, तो ये दुकान में पूरा शटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर माहौल है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर उजाड़ो मत, छोटी सी दुकान खोली है इन्होंने, तो इस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से नगर निगम हल्द्वानी का जो ऑफिस है वो ये है, और यहाँ पर काफ़ी लोग गए हुए हैं अंदर और फाइलें लेके, क्योंकि यहाँ पर आज जन सुनवाई है। इस तरीके से यहाँ पर ये मशीनें लगी हुई हैं, बाहर देख सकते हैं ये है नगर निगम, और यहाँ पर बहुत से लोग अंदर बातें चल रही हैं व्यापारियों की, वो क्या निष्कर्ष निकलता है वो तो बाद में पता चलेगा, यहाँ किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई होती है। तो ये नगर निगम का है, इस तरीके से यहाँ पर अंदर कार्रवाई चल रही है, और यहाँ पर सारी गाड़ियाँ सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी नैनीताल की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, और अंदर चल रहा है यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है, ये बाकी गंदगी साफ करो, साफ करो, साफ करो। क्या हो गया सर? नमस्कार, आंखों में क्यों पट्टी बांधी सर आपने आज? आंखों में पट्टी इसलिए बांध रखी है कि नगर निगम से काफी देर शिकायत कर चुका हूँ कि भैया मेरे वार्ड में गंदगी बहुत ज्यादा है, नाली चौक पड़ी इनकी सफाई कर दो, लाइट बंद कर दो, इनका इन्होंने भी आंखों में पट्टी बांध रखी है, कान में सुनना बंद कर दिया, इसलिए मैंने भी इनका इसी पट्टी बांधी है। अच्छा, इसलिए धरने पे हैं आप? हाँ धरने पे। अच्छा अच्छा, ब्लैक पट्टी, तो ये सुनवाई नहीं कर रहे हैं आपकी? ये सुनवाई क्या, मेरे वार्ड में इतनी गंदगी होगी, सुनवाई करते तो यहाँ बैठने की नौबत ही नहीं आती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी आएंगे मजिस्ट्रेट साहब तो बात कीजिए, अंदर अभी मीटिंग चल रही है ना व्यापारियों की, इसलिए मैं देख रहा हूँ। रोज चल रही मीटिंग चलती है, काम सॉल्व होता है। हाँ हाँ, काम तो नहीं हो रहा है सर। तो गाइज मैंने आज मंगल पड़ाव जो बाजार का जो अतिक्रमण है सारा कुछ आपको बताया, आपने सुनी लिया होगा व्यापारी ने क्या कहा हमसे, और कल क्या यहाँ पर बातचीत हुई उनके बीच, नगर निगम और अधिकारियों के बीच और व्यापारियों के बीच क्या बात हुई। उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि आप अपने कागज़ दिखाइए, जिसके पास अगर पक्के कागज़ हैं, रजिस्ट्री के कागज़ हैं, उनको तो हम लोग मुआवजा दे देंगे, हटना तो उनको भी पड़ेगा, और जिसके पास अगर कागज़ नहीं है उनको तो हटना ही है। तो लगभग ये बात तय मानी जा रही है कि मतलब यहाँ से दुकानें हटनी है, अतिक्रमण हटना है, ये पक्का हो चुका है यहाँ पर कल की बात को देख के। और जो अधिकारियों ने व्यापारियों से कहा और व्यापारियों ने जो हमको कहा, जिस तरह से हम लोग सुन रहे हैं उस तरह से लग रहा है कि ये
सॉरी हो चुका है। तो देखते हैं आगे कार्रवाई क्या होती है। आज भी सुनवाई है यहाँ पर, दो दिन की तारीख थी, तो अभी आज क्या होता है वहाँ पर, किस तरीके से डिसीजन आता है, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे आगे को। अभी यहाँ पर दुकान को किस तरह से कार्रवाई होती है, कार्रवाई यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत गर्मा गर्मी का माहौल है, अतिक्रमण वहाँ कह रहे हैं लोग, कोई कह रहा है कि हमको अतिक्रमणकारी मत कहो, तो यहाँ पर बहुत तरह तरह की बातें चल रही है। तो लोगों का यहाँ पर रोजी रोटी का भी सवाल है, किसी का रोजी रोटी नहीं जाना चाहिए, बरसों से काम कर रहे हैं। जो भी है जैसा भी है हम आपको अपडेट देंगे। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि आपको सिर्फ अपडेट देना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी को मतलब यहाँ पर ठेस पहुँचाना इस तरह की ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। तो अभी नया जैसा अपडेट आता है यहाँ पर किस तरह से कार्रवाई होती है, वो वीडियो भी मैं आपको लेके आता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय जरूर बताना कमेंट बॉक्स में क्या होना चाहिए। चैनल में अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।